Welcome to my YouTube channel Astha School Shivahar. Good morning, all my dear students. आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ के चैप्टर नंबर टू SST सब्जेक्ट का द नॉर्दर्न वास्ट प्लेन्स एंड देयर लाइफ का आज हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद की कड़ी को आज जानेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन्स में हम लोगों ने ये जाना था कि ये उत्तर का विशाल मैदान है जो कि भारत का प्रमुख फिजिकल डिवीजन के रूप में आता है। इसका निर्माण हिमालय से निकलने वाली मुख्य नदियों और इसके सहायक नदियों के गाद से, जिसको हम सिल्ट भी कहते हैं, इससे इसका निर्माण होता है। बच्चों, इसकी जो कुल लंबाई है ये 2400 किलोमीटर है और इसका वाइड 400 किलोमीटर वेस्ट और 240 किलोमीटर ईस्ट तक इसकी चौड़ाई है। बच्चों, ये जो उत्तरी मैदान है, ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, इसमें पाए जाने वाला जो मिट्टी है वो एल्वियम सॉयल है। बच्चों, इस नॉर्दर्न प्लेन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला पार्ट द सिंधु बेसिन के नाम से जाना जाता है। बच्चों, इस सिंधु को हम इंदू नदी के भी नाम से जानते हैं। बच्चों, ये जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी द इंदूज रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर इन एशिया, या एशिया की सबसे बड़ी नदी है। इट फ्लोज थ्रू चाइना, वेस्टर्न तिब्बत, इंडिया, लद्दाख एंड पाकिस्तान। बच्चों, एक चीज और आप लोग जान जाओ कि इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, यह पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट रिवर भी है इंदू नदी। इंदू नदी को हम सिंधु नदी के भी नाम से जानते हैं और यह एशिया का सबसे बड़ा नदी है जो चाइना, वेस्टर्न तिब्बत, इंडिया, लद्दाख और पाकिस्तान से होकर के बहती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसके जो ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं, इसके ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं, इसके 5 ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं, द झेलम, द रावी, द चिनाब, द सतलज एंड द ब्यास। और ये नदियां जो हैं, ये पांचों जो इसके ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं, ये ट्रिब्यूटरीज रिवर हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर के बहते हैं। बच्चों, इसके जो ट्रिब्यूटरीज रिवर है, इसमें जो सतलज रिवर है, इस सतलज रिवर के ऊपर में वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, जिसका नाम भाखड़ा नंगल डैम है, जिसको सतलज नदी के ऊपर में बनाया गया है और यह वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। बच्चों, इससे बिजली तो तैयार किया ही जाता है, साथ ही साथ इसके पानी का उपयोग इरिगेशन के लिए भी किया जाता है। बच्चों, इस सिंधु नदी, सिंधु बेसिन में बहुत सारे क्रॉप्स भी उपजाए जाते हैं, जिसमें राइस, वीट, ग्राम, मेज, वाइल्ड सीड्स, पल्सेस और सुगर केन, ये सभी मुख्य फसलें हैं जो इस बेसिन के अंदर में उपजाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब इस बेसिन के मेन लोकेटेड प्लेसेस हैं, जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब है। बच्चों, सिंधु नदी को इट इज कॉल्ड द व्हीट बाउल ऑफ इंडिया, ये सिंधु नदी को व्हीट बाउल ऑफ इंडिया के भी नाम से जाना जाता है। बच्चों, एक चीज आया इसमें बेसिन, इस बेसिन को भी समझना हमारे लिए आवश्यक है कि आखिर हम बेसिन किसे कहते हैं। बच्चों, एन एरिया ऑफ लैंड फ्रॉम विच वाटर फ्लोज इन टू रिवर, यानी ऐसा एरिया जिससे होकर के पानी गुजरती हो और वह पानी नदी में जाकर के मिलती हो, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं। अब बच्चों, अब हमारा इस नॉर्दर्न प्लेन्स का सेकेंड पार्ट द गंगा बेसिन है। गंगा बेसिन, गंगा के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि ये गंगा हिंदुओं की इस बहुत पवित्र नदी है और यह आस्था का भी बहुत बड़ा केंद्र है। द गंगा इज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर ऑफ एशिया विच फ्लोज थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश। द टू
1601 किलोमीटर रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड फ्लोज साउथ एंड ईस्ट थ्रू द गैंगेटिक प्लेन ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। बच्चों ये जो गंगा नदी है यह भारत तिब्बत और बांग्लादेश से होकर के गुजरती है। इसकी कुल लंबाई 2601 किलोमीटर है और यह भारत बांग्लादेश होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। बच्चों इसकी जो सहायक नदियां हैं ये द रामगंगा, द गंडक, द घाघरा, द कोसी, द गोमती, द चंबल, द बेतवा, द केन, ये सारी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। लेकिन ये जो गंगा बेसिन है इसका निर्माण हिमालय के वेस्टर्न पार्ट से जहां पे गंगोत्री ग्लेशियर है उस ग्लेशियर से गंगा नदी और यमुना नदी का निर्माण होता है और ये भारत तिब्बत और बांग्लादेश से बहते हुए या अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। इस बेसिन में या बेसिन ये जो गंगा बेसिन है इसकी जो मिट्टियां हैं काफी उपजाऊ मिट्टियां हैं और यहां पे जो क्रॉप्स उपजाए जाते हैं वो क्रॉप्स सुगर केन, व्हीट, मेज, बार्ली, मिर्च, मस्टर्ड, जूट, राइस एक्सेट्रा यहां पे काफी इंपोर्टेंट क्रॉप्स हैं जो कि इस बेसिन में उपजाए जाते हैं और यहां की जो मिट्टी है वो काफी उपजाऊ। बच्चों इस कड़ी में एक चीज और हमें जानना है दोआब के बारे में। ये दोआब होता क्या है? बच्चों दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम दोआब कहते हैं। जैसे द लैंड एरिया बिटवीन द गंगा एंड द यमुना इज कॉल्ड दोआब। और एक गंगा और यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र है जिसे दोआब कहते हैं ये काफी उपजाऊ है। यहां पे विभिन्न प्रकार की फसलें की जाती हैं। बच्चों द गंगा लीव्स द माउंटेन इन हरिद्वार। गंगा हिमालय के रास्ते होते हुए पहाड़ी रास्तों से होते हुए एक सर्वप्रथम जिस प्लेन्स एरिया पे आती है उस जगह का नाम हरिद्वार है और ये हिमालय को छोड़कर के सर्वप्रथम जहां गिरती है वो हरिद्वार है और यहां से ये जो नदी है ये बहना शुरू करती है और ये नदी हमारे हिंदुस्तान के उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल से होकर के गुजरती है और यह नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। अब बच्चों इस नॉर्दर्न प्लेन्स का थर्ड पार्ट द ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में अब हम लोग जानेंगे। द ब्रह्मपुत्र रिवर रेजेज इन द तिब्बत। इन तिब्बत इट इज कॉल्ड सैंगपो। इट इंटर्स इनटू इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। इट इज कॉल्ड द धियांग इन अरुणाचल प्रदेश। इट ज्वाइंस द गंगा नियर बांग्लादेश। बच्चों ये ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है और ये जो नदी है द ब्रह्मपुत्र रिवर रेजेज इन द तिब्बत और ये तिब्बत से होकर के बहती है। तिब्बत में इस नदी को सैंगपो के नाम से जाना जाता है और इस ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश हमारे इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से होकर के होता है और अरुणाचल प्रदेश में इसे धियांग के नाम से जाना जाता है। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इट ज्वाइंस द गंगा नियर बांग्लादेश और ये ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी से बांग्लादेश में जाकर के मिलती है। इट ऑल्सो फ्लोज थ्रू आसाम, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ एंड डिगबोई। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है जब ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से होकर के हमारे इंडिया में प्रवेश करती है तो इंडिया के आसाम, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और डिगबोई से होकर के ये नदी बहती है। बच्चों द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्रॉम अ बिग डेल्टा नेम्ड द सुंदरबन। जहां पे गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है वहां पे एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण किया जाता है और इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन। बच्चों डेल्टा जो है डेल्टा इज एन एरिया ऑफ लैंड एट रिवर्स माउथ इन ट्रायंगल शेप। डेल्टा का जो शेप होता है वो ट्रायंगल शेप होता है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से जिस डेल्टा का निर्माण होता है उस डेल्टा को हम सुंदरबन के नाम से जानते हैं।
और ये जो सुंदरबन है इट इज फुल ऑफ सुंदरी ट्रीज जिसको हम मैनग्रोव ट्रीज भी कहते हैं. द लैंड इज स्वैम्पी. स्वैम्पी दलदली मिट्टी को कहा जाता है जहां पे ये मैनग्रोव पेड़ का बहुत बड़ा हिस्सा इस सुंदरबन एरिया में स्थित है. ये जो सुंदरबन डेल्टा है गारो खासी जांतिया एंड नागा हिल से कवर्ड है जो कि ट्रायंगल शेप्ड में है. यहां पे इस ब्रह्मपुत्र बेसिन में राइस जूट ये मुख्य इसके क्रॉप्स है जो कि यहां पे उपजाए जाते हैं. बच्चों ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है अब ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग अरुणाचल प्रदेश से जब ये इंडिया में प्रवेश करता है तो इसको ध्यान के नाम से जाना जाता है और जब ये तिब्बत में बहता है तो इसको हम सांगपो के नाम से जानते हैं और यह हमारे इंडिया के आसाम गुवाहाटी डिब्रूगढ़ और डिगब्यू से होकर के बहती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.